Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rookie College, University of Allahabad. And in the series of discussing various issues on higher education, this is my last video on higher education in accordance with your syllabus, that is National Knowledge Commission. What are the views of National Knowledge Commission on higher education? And the lecture will be useful to you for your general understanding, for your general upgradation of your knowledge, for your competitive teaching examinations, and for your general BA, MA, and professional BA, MA courses as well. So let's start. National Knowledge Commission. देखिए, नाम में ही knowledge है. तो ये तब आया है जब बात बहुत knowledge revolution की हो रही थी, information revolution की हो रही थी, information bombardment की हो रही थी, नई technology के आगमन की हो रही थी. तो ये सोचा गया कि education system को revamp करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसा किया जाए ताकि जो इतना तेजी से युग बदल रहा है, जबकि ये बहुत पहले की बात है. अभी आप देखेंगे 2006 से 2009 इसका tenure है, I think अभी clear हो जाएगा. मतलब कि अभी कोविड तो बहुत बाद में आया, लेकिन तकनीकी तो आई ही नहीं थी. और नॉलेज सोसाइटी की बात हो रही थी, नॉलेज रिवॉल्यूशन की बात हो रही थी, 21st सेंचुरी में हम एंटर कर चुके थे. तो इसलिए सोचा गया कि एक कमीशन ऐसा बनाया जाए जो हमको बताए, जो भविष्य की राह निर्धारित करे कि शिक्षा और खासतौर से उच्च शिक्षा किस दिशा में ले जाई जाए. तो कहाँ से शुरू करें कि नॉलेज रिवॉल्यूशन. नॉलेज हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द की ड्राइविंग फोर्स इन द 21st सेंचुरी एंड इंडियाज एबिलिटी emerge as a globally competitive player will substantially depend on its knowledge resources. ये माना गया कि 21वीं सदी में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो एक key driving force है वो ज्ञान है, और अगर भारत को globally competitive player के रूप में उभरना है तो उसको अपने ज्ञान के संसाधनों पर ही depend करना होगा, निर्भर करना होगा. Foster generational change, a systemic transformation is required that seeks to address the concerns of the entire knowledge spectrum. ये माना गया कि एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है. दिस मैसिव एंडेवर इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर रिफॉर्म ऑफ द नॉलेज सेक्टर दैट फोकसेस ऑन एनहांसिंग एक्सेस टू नॉलेज, फंडामेंटली इंप्रूविंग एजुकेशन सिस्टम्स एंड देयर डिलीवरी, एंड रीशेपिंग द रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रक्चर्स, एंड हार्नेसिंग नॉलेज एप्लीकेशंस फॉर जनरेटिंग बेटर सर्विसेज. ये पाया गया कि बहुत बहुत युद्ध स्तर पर इस प्रयास की जरूरत है कि हम ऐसा कुछ रोड मैप बना सके जिसमें कि हम जो ज्ञान तक पहुंच है वो बढ़ा सकें, हम जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर सकें, और हम रीशेप कर सकें. पूरा आकार ही हम दूसरा दे दें अनुसंधान को, विकास को, नवाचार को. सो दैट इसलिए हम ये सब करेंगे ताकि हम बेटर सर्विसेज को जनरेट कर सकें. Such a knowledge revolution that seeks to build capacity and generate quality will enable our country to empower its human capital, including the 550 million below the age of 25. यानी कि हमेशा से ही हम ये जानते पढ़ते आए हैं कि भारतवर्ष एक युवा देश है. यहाँ युवा जनसंख्या है वो बहुत बड़ा हिस्सा कवर करती है हमारी जनसंख्या का. तो वो कह रहे हैं कि 25 से कम उम्र के जो 550 मिलियन लोग इस देश में हैं, उनका वो जो ह्यूमन कैपिटल है, हमारे पास जो इतना इतना बड़ा संसाधन है, उसको एम्पावर करने के लिए जरूरत है कि हम नॉलेज रिवॉल्यूशन की दिशा में आगे बढ़ें और कैपेसिटी बिल्डिंग करें, का क्वालिटी जनरेट करें. इस दिशा में नेशनल नॉलेज कमीशन की स्थापना की गई. कीपिंग दिस सिनेरियो इन माइंड, इस सबको ध्यान में रखते हुए, द नेशनल नॉलेज कमीशन NKC वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन June 2005, है ना. तो 2006, 2007, 2008 ऐसे करके इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है बाय द देन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर सैम पित्रोदा टू प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट फॉर रिफॉर्म ऑफ आवर नॉलेज रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विच वुड इनेबल इंडिया टू मीट द नॉलेज चैलेंजेस ऑफ द फ्यूचर. मतलब ये सब ध्यान में रखते हुए June 2005 में प्राइम मिनिस्टर जब मनमोहन सिंह जी थे, उनकी उनकी चेयरमैनशिप में ये इस्टैब्लिश किया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो मिस्टर सैम पित्रोदा थे. और उनसे कहा गया कि आप एक ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए जिससे कि हम एक रिफॉर्म सुधार कर सकें अपने इंस्टीट्यूशंस में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिससे कि जो आगे आने वाला चैलेंज है भविष्य का उससे हम मिल सकें, मतलब उसको हम फेस कर सकें, है ना.
तो कुछ इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस रखे गए, मतलब कि किस दिशा में ये काम करेगा। उन्होंने कहा कि पहला तो आप काम ये करिए कि बिल्ड एक्सीलेंस इन द एजुकेशनल सिस्टम टू मीट द नॉलेज चैलेंजेस ऑफ द 21st सेंचुरी एंड इंक्रीज इंडियाज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन फील्ड्स ऑफ नॉलेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है कि जो हमारे पास जो युवा जनसंख्या इतनी ज्यादा है, तो उन्हें कहा गया कि एजुकेशनल सिस्टम को एक्सीलेंट बनाना है ताकि हम नॉलेज चैलेंजेस को फेस कर सके, मीट कर सके। पहला ये था। दूसरा था प्रमोट क्रिएशन ऑफ नॉलेज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज। हमारी जो प्रयोगशालाएं हैं विज्ञान और तकनीकी की, उसमें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हम बना सकें, उत्पन्न कर सकें, क्रिएट कर सकें। फिर इंप्रूव मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन इंगेज्ड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जब नॉलेज की बात होगी तो आईपीआर की बात होगी। तो उन्होंने कहा कि आईपीआर को हमको सुरक्षित रखना है, इस पर बात करनी है कि ताकि किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हनन ना हो। फिर नॉलेज एप्लीकेशंस आपको एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में भी सुधारना है, क्योंकि डेवलपमेंट ये डायरेक्टली रिलेटेड है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से। फिर नॉलेज कैपेबिलिटीज का यूज करके हमको गवर्नमेंट को इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना है ताकि मैक्सिमाइज पब्लिक बेनिफिट, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका लाभ मिल सके। ये सब इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे, मतलब किन मानकों के तहत इसकी स्थापना हुई कि इसको इस दिशा में काम करना है। अब जो इसका ये थोड़ा सा छोटा है क्योंकि मैं तीनों को एक में ही लेना चाहती थी, यही तीन रिकमेंडेशंस इसके खास हायर एजुकेशन के लिए। एक्सपेंशन, वो कह रहे हैं पहले तो आप हायर एजुकेशन को बढ़ाइए। दूसरा एक्सीलेंस बढ़ाइए, तो लेकिन सिर्फ क्वांटिटी में मत बढ़ाइए, क्वालिटी भी बढ़ाइए, यानी कि उसको एक्सीलेंट बनाइए। और तीसरा इंक्लूजन, यानी कि जो छूट गए हैं, जो सभी दावेदार हैं, जो जो इच्छुक हैं, जो चाहते हैं, जो काबिल हैं, उनको हायर एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो इसको अब अलग अलग पढ़ लेंगे कि एक्सपेंशन में क्या कहा, एक्सीलेंस में क्या कहा, इंक्लूजन में क्या कहा। तो एक्सपेंशन की भी मैंने लिख दी है हेडिंग्स की, क्या कहा उसने, उसने कहा क्रिएट मैनी मोर यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी और यूनिवर्सिटी बनाइए। चेंज द सिस्टम ऑफ रेगुलेशन फॉर हायर एजुकेशन, ये भी तब बात कर रहा था कि आप हायर एजुकेशन का रेगुलेटरी सिस्टम बदल दीजिए। इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग एंड डाइवर्सिफाई सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग, यानी कि देखिए बढ़ाइए तो सरकार के पास तो इतना पैसा है नहीं, तो क्या करेंगे, पब्लिक फंडिंग, प्राइवेट फंडिंग, इस तरीके की बातें की गई। उसी तरह से एक्सीलेंस में उसने कहा कि पहले तो जो पहले से यूनिवर्सिटी बनी हुई है उसको सुधारिए, क्या करिए अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस को रिस्ट्रक्चर करिए, और क्या करिए क्वालिटी बढ़ा लीजिए। और इंक्लूजन में क्या करिए, इंश्योर एक्सेस फॉर ऑल डिजर्विंग स्टूडेंट, वो सभी स्टूडेंट जो डिजर्विंग है उन तक हायर एजुकेशन की पहुंच होनी चाहिए, और आप उसके लिए सुधारवादी कार्यक्रम चलाइए। अब एक एक करके डील करते हैं। एक्सपेंशन में क्या कहा कि क्रिएट मैनी मोर यूनिवर्सिटीज, वो कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन सिस्टम नीड्स ए मैसिव एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हमको इस पे बढ़ाने की जरूरत है, टू अराउंड 1500 यूनिवर्सिटीज नेशन वाइड, मतलब इतना बड़ा ये डेटा ही कैसे बनती ही 1500 यूनिवर्सिटीज। इसीलिए थोड़ा सा ये मतलब थोड़ा ये यथार्थ से दूर था ये कमीशन। बातें इसने बहुत सारी अच्छी कही है, लेकिन 1500 यूनिवर्सिटी बनाना मतलब खेल नहीं है। That would enable India to attain a gross enrollment ratio of at least by 15% by 2015. मतलब कि जब ये बना 2007-08 के बीच में, जो हमारा gross enrollment ratio था वो around 13% था, तो उन्होंने कहा कम से कम हम 2015 तक 15% इसके लिए कर पाए। जी यार, इसके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, मैनी मोर, 1500 तो बहुत ज्यादा है। फिर चेंज द सिस्टम ऑफ रेगुलेशन फॉर हायर एजुकेशन, इसने भी माना कि जो प्रेजेंट रेगुलेटरी सिस्टम है वो बहुत फ्लॉड है, मतलब उसमें बहुत कमियां हैं, त्रुटियां हैं, तो बहुत कंफ्यूजिंग भी है, बहुत ओवरलैपिंग भी है, इससे भी ग्रांट लेनी है, उससे भी परमिशन सीखनी है, इससे भी परमिशन सीखनी है। उसने कहा कि ऐसा करिए कि जो सिस्टम है वो ओवर रेगुलेटेड और अंडर गवर्न है, मतलब रेगुलेशन बहुत ज्यादा है और गवर्नेंस कम है। तो उसने कहा कि आप इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन बना लीजिए, IRAHE। अभी बात दूसरी है कि नेशनल नॉलेज कमीशन के फॉलो अप नहीं हुए, रिकमेंडेशन इसके बहुत माने नहीं गए, तो फिर बाद में आप तो NEP 2020 आ गया, लेकिन 2000 आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी एक कमीशन आया था जिसने हायर एजुकेशन के लिए ये सारी बातें कही थी। तो उस वक्त भी कहा गया था कि जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो थोड़ा सा एक बना दीजिए, बहुत ज्यादा रेगुलेटरी रेगुलेशन है हमारे यहाँ, एक बनाइए इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन। क्या होगा इस IRAHE का, वो कह रहे हैं कि ये एस्टेब्लिश किया जाएगा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, और ये एक ही एजेंसी होगी जो ऑथराइज करेगी डिग्री ग्रांटिंग पावर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, और ये स्टैंडर्ड सेट करेगी, और ये अथॉरिटी देगी लाइसेंसिंग की एक्रेडिटेशन एजेंसीज को, और रोल ऑफ, उन्होंने कहा कि UGC के रोल को भी रीडिफाइन कर लीजिए कि डिसबर्समेंट ऑफ ग्रांट्स, किसको ग्रांट देनी है, मेंटेनेंस एंड पब्लिक एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन हायर एजुकेशन। यानी कि अथॉरिटी आप IRAHE को कर लीजिए और UGC को रीडिफाइन कर लीजिए, ऐसा कहा NKC ने।
और पब्लिक स्पेंडिंग एंड डाइवर्सिफाई सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग की बात इसलिए की गई कि इतना सारा पैसा तो सरकार नहीं दे सकती, तो उसने कहा गवर्नमेंट फाइनेंसिंग विल रिमेन द कॉर्नर स्टोन, मतलब वो मेजर हिस्सा शेयर करेगी, बट गवर्नमेंट को आप सपोर्ट कीजिए। और उसने कहा कि हायर एजुकेशन पे शेयर, देखिए बहुत सालों से कहा जा रहा है कि जीडीपी का 6% एजुकेशन को दिया जाए, हम उसको हासिल नहीं कर पाते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो 6% है उसमें से 1.5% तो आप हायर एजुकेशन को दे दीजिए। और इवन दिस वुड नॉट सफिस, इससे भी अगर पूरा नहीं पड़ रहा है तो आप क्या करिए, पब्लिक, उन्होंने कहा कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं वो, उनके पास बहुत सारा अनटैप्ड रिसोर्सेज है, मतलब संसाधन तो है लेकिन उसको यूज नहीं करते हैं, जैसे उनके पास बहुत सारी जमीन है उसको फाइनेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी को, इट इज फॉर यूनिवर्सिटीज टू डिसाइड द लेवल ऑफ फीस, वो कह रहे हैं यूनिवर्सिटी ही फीस डिसाइड करेगी, बट फीस कम से कम टोटल एक्सपेंडिचर का 20% होना चाहिए, अगर ये मान लिया जाता तो पता नहीं कितने गुना फीस बढ़ जाएगी। फिर इंडिया शुड नर्चर द ट्रेडिशन ऑफ फिलैंथ्रोपिक कॉन्ट्रीब्यूशन, वो कह रहे हैं कि जो मानव प्रेमी हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा है, जो सोशल कॉज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनसे डोनेशन ले लीजिए, या उनसे उनको मतलब वो अवेयर हों, वो मोटिवेटेड हों डोनेशन देने के लिए, और जैसे एल्यूमिनाई कॉन्ट्रीब्यूशन हो, कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग मतलब उस यूनिवर्सिटी के बड़े आदमी बन गए, उनसे उनसे आप कॉन्ट्रीब्यूशन ले लीजिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करा लीजिए, इस तरह से करिए, बिकॉज इतना ज्यादा फाइनेंसिंग गवर्नमेंट अलोन नहीं कर सकती है। फिर एक्सपेंशन, उन्होंने कहा कि 50 तो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाएंगे, एनकेसी रिकमेंड्स द क्रिएशन ऑफ 50 नेशनल यूनिवर्सिटीज दैट कैन प्रोवाइड एजुकेशन ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड, यानी इतनी सारी भी बनाइए और उसमें स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा हो, तो उसने कहा कि ऐसा तो बहुत मुश्किल है, तो उसने कहा कम से कम 10 यूनिवर्सिटी अगले 3 सालों में बनाइए, इस तरह से अगले 3 सालों में 10 और, तो ऐसे करते करते कि कुछ सालों में आप अगले 5 सालों में, कुछ सालों में कुछ सब्सटेंशियल नंबर बढ़ जाएगा, तो उसने एक्सपेंशन की बात की, मतलब नेशनल यूनिवर्सिटीज हम बढ़ा लें। एक्सीलेंस के लिए क्या कहा उसने, कहा उसने कहा कि जो पहले तो हम नया बनाए उससे पहले जरूरी है कि जो है हमारे पास उसको सुधार लें, तो उसने कहा कि कैसे हम एक्सीलेंट हो सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज शुड बी रिक्वायर्ड टू रिवाइज और रीस्ट्रक्चर करिकुला एटलीस्ट वंस इन 3 ईयर्स, हर 3 साल में करिकुला को रिवाइज कर दीजिए। एनुअल एग्जामिनेशन केवल मेमोरी को टेस्ट ना करें बल्कि वो अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करें, उसमें इंटरनल असेसमेंट होती है, ये सारी बातें एनकेसी ने भी कही हैं। फिर उसने कहा कि एक कोर्स क्रेडिट सिस्टम रख लीजिए जिसमें बच्चा चुन सके, यानी कि सीबीसीएस की बात भी कर रहा है ये। फिर ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज को हब ऑफ रिसर्च बनना चाहिए, यानी कि ये भी बात कर रहा है कि यूनिवर्सिटी को रिसर्च से लेना देना है, और रिसर्च को बढ़ाइए, अच्छा करिए, तभी तो एक्सीलेंट होंगे हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और इसने क्या कहा कि हम एफर्ट करें ताकि हम अट्रैक्ट कर सकें किसको, टैलेंटेड फैकल्टी मेंबर्स को, उनको इंसेंटिव दीजिए उनकी परफॉर्मेंस के लिए, यानी कि वो अच्छा कर रहे हैं, उनके पढ़ाई बच्चे अच्छे प्लेसमेंट पा रहे हैं तो उनको आप इंसेंटिव दीजिए। और क्या करिए कि जो हमारी टीचिंग लर्निंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है, लाइब्रेरी लेबोरेटरी, वो सब सुधारिए तो एक्सीलेंट होगा। और क्या करिए जो नीड इज फॉर स्मॉलर यूनिवर्सिटीज, वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज छोटी ही बनाइए। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा ये विरोधाभास है, क्योंकि अब कहे जा रहा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी बनाओ, स्टैंड अलोन ना हो, लेकिन इन्होंने ऐसा कहा था छोटा बनाइए, इसके पीछे इनका लॉजिक ये था, ये कह रहे थे ताकि वो जल्दी में चेंज हो सके, वो इजिली मैनेज की जा सके और वो जल्दी बन भी सके, है ना, क्योंकि बहुत सारी बनाने की बात कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि रीस्ट्रक्चर कीजिए अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस को, वो कह रहे हैं मतलब कि 50 साल पहले से जो सिस्टम चला रहा है आप उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो आप उसको चेंज कर लीजिए। वो कह रहे हैं कॉलेजेस को ऑटोनोमी दीजिए, देखिए हर कमीशन ने ऑटोनोमी की बात की है, वो कह रहे हैं कि कुछ एफिलिएटेड कॉलेजेस को आप कम्युनिटी कॉलेज बना लीजिए, और एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन बना लीजिए जो कि स्टेट बोर्ड ऑफ अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के साथ मिलकर करिकुला बना ले, एग्जामिनेशन करा ले। फिर क्वालिटी को बढ़ाइए, कैसे बढ़ाएंगे क्वालिटी को, कि हम अकाउंटेबिलिटी हो सोसाइटी के लिए और एक्सपेंशन हो लेकिन क्वालिटी भी बढ़े, तो कैसे हो, तो उसने कहा कि ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मतलब देयर शुड बी स्ट्रिंजेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर नॉर्म्स, यानी कि जो भी है वो डिस्क्लोज होना चाहिए, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, उसकी फिजिकल एसेट क्या है, एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, फैकल्टी की पोजिशन क्या है, करीब आप तो होता ही है उसकी वेबसाइट बनी होती है, सब कुछ सबको पता होता है। और अपग्रेड करिए इंफ्रास्ट्रक्चर को, आप असेसमेंट करते रहिए सिलेबाई का बार बार, एग्जामिनेशन सिस्टम का, ये सब हम लोग नहीं करते हैं, अगर हर 3 साल में सिलेबस रिवाइज हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन मुश्किल काम है, उस पर आपको श्रम साध्य काम है ये। फिर वो कह रहे हैं कि आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार लीजिए, देखिए उसी वक्त बात की गई थी कि आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार लीजिए, वेबसाइट और वेब बेस्ड सर्विसेज अपने यहाँ लगा लीजिए, और अप्रोप्रिएट पॉलिसी बनाइए ताकि फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में आ सकें, जिससे कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस अब्रॉड भी प्रमोशन हो सके उनका। और उन्होंने कहा कि जो सिस्टम है हायर एजुकेशन का वो इस तरीके का होना चाहिए, देयर इज बाउंड टू बी ए टू है टी ओ,
डाइवर्सिटी एंड प्लुरलिज्म इन एनी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन, कह रहे हैं जितनी विभिन्नता है, जितनी विविधता है, जितनी बहुवाद है, उन सबको केटर कीजिए। और ये मत मान के चलिए कि वन साइज फिट्स ऑल, आप जैसा पढ़ा रहे हैं पूरी क्लास को समझ में आ रहा है, आपको विविधता को केटर करना होगा, तब आप एक्सीलेंट बन पाएंगे। ये बात एनकेसी ने कही हायर एजुकेशन के लिए। और इंक्लूजन के लिए उसने क्या कहा कि सभी जो डिजर्विंग स्टूडेंट हैं उनको अपने में इंक्लूड कीजिए, नो स्टूडेंट इज डिनाइड द अपॉर्चुनिटी। उन्होंने कहा किसी भी स्टूडेंट जो डिजर्विंग है वो उसको आप मना मत करिए कि वो हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेट ना कर पाए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के कारण। तो उसके लिए क्या किया जाए कि आप नीड्स ब्लाइंड एडमिशन पॉलिसी अपनाइए। दिस वुड मेक इट अनलॉफुल फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू टेक इनटू अकाउंट एनी फाइनेंशियल फैक्टर व्हाइल डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू एडमिट अ स्टूडेंट। देखिए इतना सारा उसने फाइनेंसिंग की बात की, लेकिन वो कह रहा है कि स्टूडेंट अगर डिजर्विंग है तो आप पैसे के मुद्दे पर उसका एडमिशन मत रोकिए। फिर देयर मस्ट बी ए वेल फंडेड एंड एक्सटेंसिव नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम। कहा एक एनएसएस चला लीजिए, नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम, जो कि इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, मतलब पढ़ने में तेज हैं लेकिन सोशली डिसएडवांटेज हैं, इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज हैं, तो उनके लिए उनको भी इंक्लूड कीजिए अपने सिस्टम में। फिर एफर्मेटिव एक्शन यानी सुधारवादी कार्यक्रम क्या चलाइए, उसने कहा रिजर्वेशंस कर लीजिए, बट दे आर ओनली अ पार्ट एंड वन फॉर्म ऑफ एफर्मेटिव एक्शन। ये नहीं कि सबको आप रिजर्वेशन दिए दे रहे हैं। फिर डिस्पैरिटीज जो हैं कास्ट के बेसिस पे, सोशल ग्रुप के बेसिस पे, बट उनको उनको मत मतलब हिस्सा लेने दीजिए अपने एजुकेशन। डिस्पैरिटीज एंड एजुकेशनल अटेनमेंट्स आर रिलेटेड टू कास्ट एंड सोशल ग्रुप्स बट आर आल्सो स्ट्रांगली रिलेटेड टू अदर इंडिकेटर्स सच एज इनकम, जेंडर, रीजन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस। देयर इज नीड टू डेवलप अ मीनिंगफुल एंड कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क दैट वुड एड्रेस द मल्टी डायमेंशनैलिटी ऑफ डिफरेंसेस दैट स्टिल परसिस्ट। वो कह रहे हैं कि जो एजुकेशनल अटेनमेंट में डिस्पैरिटी आती है, मतलब कोई बच्चा टॉप कर लेता है, कोई फेल हो जाता है, उसके कई कारण हो सकते हैं। वो कास्ट हो सकता है, सोशल ग्रुप के कारण ऐसा हो सकता है, इनकम, बच्चे के घर में पैसे नहीं है, उसके पास संसाधन नहीं है तो वो कैसे अच्छी किताबें पढ़े, कैसे वो रिसोर्स तक पहुंचे, जेंडर बायस हो सकता है, रीजन का कोई फर्क हो सकता है उसके रहने, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम ऐसा फ्रेमवर्क बनाएं, ऐसा मीनिंगफुल, क्यों? क्योंकि हमको इंक्लूड करना है ना सबको, जिससे कि जितना मल्टी डायमेंशनैलिटी है, जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी अंतर हैं बच्चों में, उनको हम केटर कर सकें, इतना इंक्लूसिव हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नेशनल नॉलेज कमीशन हमको 2009 भी अगर मान के चले तो 15 साल ऑलमोस्ट हो रहे हैं, 15 साल पहले कहा, तभी भी YCT की बात कर रहा है, तब वो CBCS की भी बात कर रहा है, वो इंटरनल असेसमेंट की भी बात कर रहा है, यानी कि बहुत सारी अच्छी बातें इस कमीशन में कही गई, लेकिन इसका ज़्यादा फॉलो अप नहीं हो पाया। लेकिन चूंकि ये आके गया है, ये भूतकाल में कहीं था, इसे हमको पता होना चाहिए कि हायर एजुकेशन पे ऐसा भी एक कमीशन बन चुका है। ठीक है, तो अब आपके कोर्स के हिसाब से कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने हायर एजुकेशन पर आपसे डिस्कस ना किया हो। फिर कोई समसामयिक मुद्दा, कोई कंटेम्प्रेरी मुद्दा मिलेगा तो जरूर मैं आपसे डिस्कस करूंगी। इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड योर ऑल टॉपिक्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। सो थैंक यू ऑल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माई साइड।